हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने अपना थ्योरेटिकल पार्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंप्लीट कर लिया है। हमने उसमें जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सारे बनेंगे उससे, मतलब उसमें कोई भी कंसेप्ट आपको छूटा हुआ नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम उन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हैं और चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन में। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड में, एक बार रीड करते हैं, साथ में गिवन डाटा भी लिखते हुए चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप आर 200 mm एंड 400 mm रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें डायमीटर्स दिया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल के। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि ऐसे आउटर पेरिफेरी में हम उसका ब्लेड बनाते हैं, वाटर आता है तो वो क्या होता है, इंटरनल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, आउटर, मतलब आउटर डायमीटर क्या है, एक्सटर्नल, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, D2। ठीक है, तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं और गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। क्या क्या दिया गया है अपने को क्वेश्चन में, इंटरनल डायमीटर बोल रहा है मतलब D1 जो इनलेट का डायमीटर होता है वो दिया है, और कितना दिया है 200 mm, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि हम सारी वेलोसिटीज इसमें निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड में ही निकालेंगे तो सब चीज मीटर में ही रखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है हमें कितना, 400 mm, मतलब क्या होगा D2 और 0.4 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं और क्या चीज है। द पंप इज रनिंग एट 1200 rpm। ठीक है, मतलब हमें स्पीड दी गई है पंप की n, और कितनी है वो 1200 rpm। ठीक है, आगे की वैल्यूज देखते हैं। द वेन एंगल्स ऑफ द इंपेलर एट इनलेट एंड आउटलेट आर 20° एंड 30° रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमें क्या डाटा दिया है, ये हमें वेन एंगल्स दिया है इनलेट और आउटलेट में। वेन एंगल्स मतलब क्या होते हैं, जो ब्लेड के एंगल होते हैं, जो ऑलरेडी ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसको हम एंगल दे देते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा 20° और 30° और बोल रहा है इनलेट में और आउटलेट में। तो हम हर जगह टर्बाइन के भी केस में जो वेन एंगल्स होते थे उसको इनलेट में हम किससे डिनोट करते थे, थीटा से। थीटा क्या होता था हमारा, इनलेट का वेन एंगल, क्यों, क्योंकि ये एंगल किसके साथ बनाता था, VR1 के साथ बनाता था डायरेक्शन ऑफ मोशन में। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 20° दी गई है। ठीक है, और वेन एंगल आउटलेट में बोला है, मतलब आउटलेट का वेन एंगल क्या होता है 5, और उसकी वैल्यू दी गई है 30°। 90° से छोटा है देखिए, तो बैकवर्ड कर्व वेन्स तो यूज ऐसे भी हो ही रही। और इसके बाद दो एंगल्स और कौन से होते थे हमारे टर्बाइन में, अल्फा और बीटा, वो क्या होते थे, गाइड ब्लेड एंगल्स, इनलेट के और आउटलेट के रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं, द वॉटर एंटर्स रेडियली एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि वॉटर जो है इनलेट में कैसे एंटर करेगा, रेडियली एंटर करेगा, मतलब ये एक क्या डाटा दिया है हमें, जो अल्फा की वैल्यू है वो बताया है कितनी है 90°। ठीक है, और इनलेट में रेडियल है इसका मतलब हम वेलोसिटी ट्रायंगल में एक चीज और क्या देखते थे, VW1 क्या हो जाता था हमारा, 0 हो जाता था। ठीक है, तभी तो आखिरी वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ 1/GVW2U2 रहता है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है एंड फ्लो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, बस ये बोला है कि फ्लो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, उसकी हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया है कि वो कितनी है। तो ये भी चीज लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है, VF1 इक्वल टू क्या है, VF2। फ्लो वेलोसिटी मतलब क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट। ठीक है, जिसको हम VF1 से डिनोट करते हैं इनलेट में और 2 में आउटलेट में। फ्लो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। आगे देखते हैं, डिटरमाइन हमें क्या निकालने बोला है, द वर्क डन बाय द इंपेलर पर यूनिट वेट ऑफ द वॉटर। ठीक है, ये चीज जानना जरूरी है कि कैसे वर्क डन निकालने बोला है, यहां पर यूनिट वेट बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट वेट में निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं जो यूज होगा हमारे लिए। वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से ही हम पूरा चीज सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक आउटर पेरिफेरी में बनाते हैं, ये हमारा पूरा इंपेलर का वो एक्सिस बना लेते हैं। एक्सिस से क्या मदद मिलती है हमें, फ्लो वेलोसिटी को मतलब इसमें डायग्राम में दिखाने में हमें मदद करता है एक्सिस। ये एक एक्सिस हो गया, बैकवर्ड कर्व्ड वेन बना लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, बैकवर्ड कर्व्ड वेन। ठीक है, अब उसके बाद हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे हम बनाएंगे, ये वाला कौन सी वेलोसिटी होगी, जो रेडियल आएगी
वी वन, ठीक है। टेंजेंट भी हम बना सकते हैं इसके स्टार्टिंग में, जो क्या बताएगा हमें, टेंजेंशियल वेलोसिटी बताएगा, कहाँ की, इनलेट की और आउटलेट की, मतलब बताएगा कि हम किसको किस डायरेक्शन में ले सकते हैं। वी वन हो गया, ये हमारा क्या है यू वन, और ये जो ट्रायंगल कंप्लीट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा वी आर वन। वी आर वन और वी वन किसके बराबर होता है, वी एफ वन के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसलिए क्या होता है यहां पे VW1 क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। एंगल्स देखते हैं, यही वाला एंगल 90 डिग्री दिया है, ये अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ठीक है। वेन एंगल इनलेट में, देखिए वी आर वन का एंगल है ये, आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, हम मान लेते हैं कि वेन हमारी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो वी टू इधर आएगा और यहां से एक निकलेगा वी आर टू, ट्रायंगल क्लोज करते हैं, जो बीच वाली वेलोसिटी होगी ये क्या होगी वी एफ टू, ये क्या होगा हमारा वी आर टू, ये होगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट में वी टू, इसका एंगल क्या होगा बीटा, और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा फाई, ठीक है। यही एंगल हमें दिया है, ये दोनों एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ऊपर देखते हैं ये वाला पोर्शन कितना होगा वी डब्ल्यू टू, और पूरी क्या होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी व्हील की आउटलेट में यू टू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डी वन डी टू तो दिया हुआ है, तो व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं इनलेट आउटलेट में, मतलब हम यू वन और यू टू कैलकुलेट कर लेते हैं। U1 क्या होगा पाई D1 N by 60 और U2 क्या होगा पाई D2 N by 60, ठीक है। वैल्यूज देखते हैं, D1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.2 और D2 की वैल्यू कितनी है आउटर डायमीटर ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा 0.4, स्पीड भी हमें गिवन है कितनी 1200 rpm। सारा डाटा पता है हमको, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। पहले 0.2 लेंगे 1200 rpm डिवाइड बाय 60, ठीक है 4 पाई 12.56 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये किसकी आ गई, U1 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटलेट में क्या होगी, 0.4 ले लेते हैं, 0.2 के बदले बस 25.13 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी U1 और U2 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, U1 U2 हमारा निकल गया, उसके बाद अब हम वेलोसिटी ट्रायंगल में देखते हैं हमें क्या निकालना है, वर्क डन पर यूनिट वेट निकालना है, मतलब 1 बाई जी VW2 U2 की वैल्यू निकालनी है। U2 तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना है सिर्फ VW2 निकालना है, और VW2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्लो वेलोसिटी की मदद लेंगे, मतलब कैसे जाएंगे, थीटा हमको पता है, U1 हमको पता है, VF1 निकाल लेंगे, VF1 VF2 के बराबर है तो यहां का VF2 भी मिल जाएगा अपने को, फाई तो दिया ही हुआ है, ठीक है। और उसके बाद U2 हमें पता है, बस VW2 कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो निकाल लेते हैं, VF1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इनलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल हम यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे देखते हैं थीटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, थीटा और फाई, तो हम क्या करते हैं वी एफ वन निकाल लेते हैं, टेन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं टेन थीटा हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस वी एफ वन बाई नीचे वाला हिस्सा क्या है पूरा यू वन, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है हमारा यू वन। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, हमें थीटा की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 20 डिग्री, हमें क्या निकालना है वी एफ वन निकालना है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं आसानी से यू वन कितना हो जाएगा हमारा वी एफ वन बाई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वी एफ वन की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यू वन तो हमें पता ही है, तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं, यू वन की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ही ली है और ये कितनी है 12.56, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा वी एफ वन निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 10 20 × 12.56 4.57, ठीक है। ये क्या आ गई वी एफ वन की वैल्यू आ गई, तो हमारा वी एफ वन कितना आएगा 4.57
57 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा वी एफ वन आ गया 4.57। अब हमें पता है कि वी एफ वन फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चीज हमें क्या दी है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये जो वी एफ वन आया है ये किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमें ये वी एफ टू की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या है फाइव पता है, ठीक है, यू टू पता है, यहां पे भी टेन का हम लगाएंगे, फाइव पता है, वी एफ टू पता है, वी डब्ल्यू टू यहां से क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करते हैं, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं, टेन फाइव की वैल्यू निकालते हैं हम, परपेंडिकुलर क्या है उसका बी एफ टू और बेस में क्या है ये डिस्टेंस है पूरा, ठीक है। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, यू टू से वी डब्ल्यू टू को माइनस कर दे तो निकल जाएगा, तो यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू, यू टू क्या है हमारा बड़ा है। अब हमें क्या करना है वी डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालनी, तो टेन को यहां ले लेते हैं, ये पूरी टर्म को यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू इक्वल टू वी एफ टू या वी एफ वन भी बोल सकते हैं उसको, डिवाइड बाई टेन फाइव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं वी डब्ल्यू टू को उधर ले लेते हैं और इस पूरी टर्म को इधर ले लेते, तो क्या आएगा हमारा वी डब्ल्यू टू, उसको पॉजिटिव कर देते थे, इसको पूरा नेगेटिव कर देते थे, यू टू माइनस वी एफ टू बाई टेन फाइव, ठीक है। सबकी वैल्यू पता है हमें, वी एफ वन निकालनी है वही वी एफ टू के बराबर है और इसकी वैल्यू क्या है 4.57, ठीक है। यू टू की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ली है, कितनी है 25.13 और फाइव भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो उसको भी पुट कर देते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा वी डब्ल्यू टू कितना आता है, 25.13 माइनस 4.52 डिवाइड बाई 10 30 डिग्री 17.30, क्या आ जाएगा हमारा वी डब्ल्यू टू की वैल्यू 17.30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या हो गया देख सकते हैं, हमें यू टू भी पता चल गया और वी डब्ल्यू टू भी पता चल गया, तो इससे क्या होगा हमारा जो हमें निकालने बोला है क्वेश्चन में वो चीज हम क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, वर्क डन बाय द इंपेलर पर यूनिट वेट ऑफ द वॉटर, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको, वर्क डन बाय वॉटर, वैसे तो वर्क डन बाय इंपेलर होगा क्योंकि इंपेलर वर्क करता है, ऑन वॉटर पर यूनिट वेट, वर्क डन भी पर सेकेंड रहता है और यूनिट वेट वाटर स्ट्राइकिंग भी पर सेकेंड रहता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन बाय इंपेलर ऑन वाटर पर यूनिट वेट भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं हमारी क्या आएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है जो फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसका क्या होगा 1/g VW2 और U2, ठीक है। डालते हैं पूरी वैल्यू, जी की वैल्यू 9.81, वी डब्ल्यू टू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 17.30 माइनस U2 देखते हैं हमारा कितना है, U2 भी हमने निकाल लिया है 25.13 इंटू होगा, दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि VW2 क्या होता है U2 होता है। देखते हैं सॉल्व करके, VW2 कितना है 17.30 इंटू 25.13, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 43, वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा 44.31 यूनिट होगी न्यूटन मीटर बाई न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वर्क डन है पर सेकंड पर यूनिट वेट के लिए। तो यही चीज हमें निकालने बोला है और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन किसका है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोल रहा है और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या दिया है हमें, डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो चलिए इस वैल्यू को भी लिखते हुए चलते हैं। क्यू की वैल्यू दी गई है कितनी 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है,
एट ए स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम, ठीक है, स्पीड भी दी गई है हमें पंप की 1450 आरपीएम, और आगे क्या बोल रहा है, अगेंस्ट ए हेड ऑफ 25 मीटर, ठीक है। अब देखिए जिसे भी टर्बाइन के क्वेश्चंस पे देता था उसमें क्या रहता था, सब चीज नेट हेड होती थी, और कोई हेड रहता था तो मेंशन करता था। पंप्स के क्वेश्चन में यदि आपको कभी भी बोलेगा अगेंस्ट ए हेड, कुछ भी आपको हेड की वैल्यू देगी तो वो कौन सा हेड रहेगा, मैनोमेट्रिक हेड रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगेंस्ट ए हेड ऑफ 25 मीटर बोल रहा है, इसका मतलब क्या दिया है हमें, मैनोमेट्रिक हेड दिया हुआ है, एच एम दिया है कितना 25 मीटर फुल स्टॉप। द इंपेलर डायमीटर इज 250 mm, कॉमा इट्स विड एट आउटलेट इज 50 mm, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंपेलर डायमीटर दिया है 250 mm, आपको कभी कभी क्वेश्चन में भी इंटरनल एक्सटर्नल या इनलेट आउटलेट नहीं बोला और बोला कि सिर्फ इंपेलर डायमीटर दिया है तो आप इसको हमेशा D2 मानेंगे, क्योंकि इंपेलर का डायमीटर क्या होगा, पूरा डायमीटर उसका, तो एंड वाला डायमीटर क्या रहता है D2। तो जब भी आपको ऐसा देगा इंपेलर डायमीटर इज 250 mm तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, D2 मानेंगे, मतलब आउटलेट का डायमीटर मानेंगे, 250 mm दिया है, मीटर में रख लेंगे क्योंकि सब तो मीटर में ही चलता है यहाँ पे, 0.250 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं एट आउटलेट, और उसकी विड्थ भी दी है कितनी, 50 mm विड्थ भी दिया है, आउटलेट की बोल रहे हैं, और तो क्या दिया है हमें, B2 दिया है 50 mm, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 75%, हमें मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दी गई है 75%, डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटलेट पेरिफेरी ऑफ द इंपेलर, ठीक है। हमें क्या करना है, वेन एंगल निकालना है आउटलेट में, आउटलेट का वेन एंगल क्या होता था, फाई, ठीक है, उसी को हमने कैलकुलेट करना है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी गई है MANO कितनी 75%, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे 0.75। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं इसका, ये हमारी बैकवर्ड कर्व्ड वेन, V1 V1 U1 VR1, ये होता है हमारा अल्फा जो 90 डिग्री है, थीटा V1 किसके बराबर होता है, VF1 के, और VW1 क्या होगा, 0, ठीक है। आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, V2 VR2 बीच वाला क्या रहता है, फ्लो कंपोनेंट, VF2 यही वाला एंगल क्या है हमारा, फाई, बीटा, VW2 और पूरा क्या रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हील की आउटलेट में, U2, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, डायमीटर दिया है, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं आउटलेट की, मतलब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम, U2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो U2 क्या हो जाएगा, पाई D2N/60, क्योंकि क्या करेंगे ना, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटलेट, मतलब हमें ना फाई की वैल्यू निकालने बोला है, अब फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे, मतलब उसके आसपास की सारी चीजें हमें पता हो जानी चाहिए, ठीक है। VF2 पता रहे, VW2 पता रहे, U2 पता रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाई निकाल सकते हैं, ठीक है, टैन लगा के। तो अब हमें क्या करना है, हम धीरे धीरे सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, VF2 VW2 U2 तो अभी पता चल जाएगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, D2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.25, ठीक है, N भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा 1450 आरपीएम दिया है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटलेट की, एटीन पॉइंट नाइन एट मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, U2 आ गया। अब हम देखते हैं हमें डिस्चार्ज गिवन है, तो डिस्चार्ज की मदद से हम क्या करते हैं, VF1 भी निकाल सकते हैं, VF2 भी निकाल सकते हैं, मगर हमें
इनलेट का डायमीटर तो पता नहीं है और विड्थ भी नहीं पता है हमें, क्वेश्चन में आउटलेट की विड्थ दिया है, आउटलेट का डायमीटर दिया है और डिस्चार्ज दिया है, तो इसकी मदद से क्या निकलेगा हमारा, डेफिनेटली वी एफ टू ही निकलेगा। तो चलिए डिस्चार्ज की मदद से वी एफ टू निकाल लेते हैं, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू फ्लो एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, तो पाई डी टू बी टू इंटू वी एफ टू। डिस्चार्ज कितना दिया है 0.118, पाई डी टू हमारा कितना है 0.25, इंटू बी टू भी दिया है हमारा 0.05, और यहां से क्या निकालना है हमें वी एफ टू निकालना है। सिंपली निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 0.118 से, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, डिवाइड बाई पाई 0.25, 0.05, तीन वैल्यू को डिवाइड करना है और इससे क्या आ जाएगा हमारा वी एफ वन आ जाएगा 3.00। वी एफ टू हमारा कितना आएगा 3.00 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, वी एफ टू भी मिल गया, यू टू मिल गया, वी एफ टू मिल गया, बस वी डब्ल्यू टू चाहिए अपने को, तो हम क्या करने से उससे हम फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो वी डब्ल्यू टू है उसको हम कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यहां से क्या करेंगे हम वी डब्ल्यू टू को निकाल लेंगे। तो देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एच एम मैनोमेट्रिक हेड जी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू यू टू, यही फॉर्मूला हम डिराइव किए, यही फॉर्मूला हम पढ़े मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 0.75, जी तो पता ही है, वी डब्ल्यू टू हमें निकालना है, यू टू हम कैलकुलेट कर लिए 18.98। ठीक है, और जो एच एम है मतलब मैनोमेट्रिक हेड, इसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है कितनी 25 मीटर। ठीक है, तो उसको भी हम पुट कर लेते हैं, जी की वैल्यू तो 9.81। तो यहां से क्या करना है हमें वी डब्ल्यू टू निकालना है। ठीक है, वी डब्ल्यू टू को यहां ले लेते हैं, मैनोमेट्रिक हेड को एफिशिएंसी को नीचे ले लेते, 25 × 9.81 डिवाइड बाई 0.75 × 18.98 है, वी डब्ल्यू टू आ जाएगा हमारा कितना 17.22 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी वी डब्ल्यू टू की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, फाइन निकालना है, सिंपली हम निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू पता है, टेन लगा के, टेन फाइ इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है वी एफ टू, और बेस में क्या है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू करेंगे। ठीक है, फाई ले लेंगे तो क्या होगा, पूरा इनवर्स में हो जाएगा, टेन इनवर्स, वी एफ टू की वैल्यू देखते हैं कितनी कैलकुलेट की हमने 3.00। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है करके, इसलिए हम पूरा आउटलेट से ही कर ले रहे हैं। यू टू हमने कितना निकाला है 18.98 माइनस वी डब्ल्यू टू, वो भी हमने अभी कैलकुलेट किया 17.22। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और सीधा हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं कितनी आती है, 18.98 माइनस 17.22 59.60। ठीक है, तो हमारा फाई कितना आएगा 59.60 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोला गया था, और इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साथ ही साथ हम अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग आउटर डायमीटर इक्वल टू 2 times द इनर डायमीटर। ठीक है, बोल रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका जो आउटर डायमीटर है मतलब डी टू, वो क्या है 2 times है इनर डायमीटर के, मतलब क्या है 2 times D1 है। आगे देखते हैं, एंड रनिंग एट 100 RPM, 100 RPM भी हमें दिया गया है, मतलब ये क्या है स्पीड दिया गया है हमें, एन इक्वल टू सॉरी 1000 RPM, रनिंग एट 1000 RPM बोल रहा है, वर्क्स
अगेंस्ट ए टोटल हेड ऑफ 40 मीटर, ठीक है, वर्क अगेंस्ट ए टोटल हेड ऑफ 40 मीटर बोल रहा है, मतलब ये 40 मीटर क्या है हमारा, जो भी हेड देगा सब हेड हमारे क्या है, मैनोमेट्रिक हेड रहते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप में। तो एच एम कितना दिया है हमें, 40 मीटर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द इंपेलर इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कॉन्स्टेंट है, मतलब वी एफ वन बराबर है वी एफ टू के, और उसके वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, वी एफ वन इक्वल टू क्या है वी एफ टू के, और 2.5 मीटर पर सेकेंड हमें दिया गया है, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी आप जानते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट। फिर आगे क्या बोल रहा है, द वेन्स आर सेट बैक एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। आपको बहुत सारे सेंट्रिफ्यूगल क्वेश्चन में ऐसा डाटा देगा, सेट बैक, बेंट बैक, कर्व्ड बैक, समझ रहे हैं, तो ये सब क्या होगा हमारा, जो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स रहती है उसका एंगल दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा कि वेन्स आर सेट बैक, बेंट बैक भी बोलता है और कर्व्ड बैक भी बोलता है, तो आप इसे समझ जाइएगा कि ये आउटलेट का एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और बोलेगा भी वो आउटलेट, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू दी है, ये फाई की वैल्यू दी गई 40 डिग्री, देख सकते हैं 90 डिग्री से छोटा ही है, बैकवर्ड कर्व्ड वेन नहीं होगा ये, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ आउटर डायमीटर ऑफ द इंपेलर इज 500 mm, ठीक है, मतलब हमें डी टू भी दिया गया है 500 mm है और आउटर डायमीटर बोल रहा है, मतलब D2 हमें गिवन है कितना 500 mm, मीटर में ही लेंगे 0.5 मीटर। अब जब हमें D2 दिया गया है तो क्यों ना हम D1 निकाल लें, तो D1 हमारा कितना होगा D2 by 2, ठीक है, 0.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, डायमीटर इनलेट का D1 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड विड्थ एट द आउटलेट इज 50 mm, विड्थ भी दिया है आउटलेट की दिया है, और तो हमें क्या दिया है बी टू भी गिवन है हमें कितना 50 mm, मतलब 0.05 मीटर। और क्या बोल रहा है, डिटरमाइन, अब हमें निकालने बोला है वेन एंगल एट द इनलेट, वेन एंगल निकालने बोला है इनलेट में, मतलब क्या होगा ये थीटा पूछा है आपने से, ठीक है। वर्क डन बाई द इंपेलर ऑन वाटर पर सेकेंड, वर्क डन बाई इंपेलर ऑन वाटर पर सेकेंड मतलब पर यूनिट वेट नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला W बाई जी वी डब्ल्यू टू यू टू करके, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने बोला है, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला एच एम जी बाई वी डब्ल्यू टू यू टू, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस बीच की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं इनलेट और आउटलेट की, और डायग्राम जैसे हम बनाते आए हैं वैसी सेम डायग्राम भी एक थोक बना लेते हैं, ताकि हमें ये हमारी बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, ठीक है, वेलोसिटी वी वन यू आर वन, वी वन हो गई यू वन वी आर वन, थीटा ही निकालने बोला है हमें, ये 90 डिग्री है अल्फा, यहां से वी एफ टू जाएगी वी टू रहेगी, सॉरी वी आर टू होगा ये, वी एफ टू वी आर टू वी टू, ये क्या हो जाएगा हमारा वी डब्ल्यू टू, और पूरा क्या हो जाएगा व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटलेट में यू टू, ये वाला एंगल हो गया हमारा फाई, ये वाला एंगल हो गया हमारा बीटा, ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल भी बन गया। और हम क्या करते हैं इनलेट और आउटलेट की क्या करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यू वन कितना होगा पाई डी वन एन बाई 60, और यू टू हमारा कितना होगा पाई डी टू एन बाई 60। एन हमें दिया गया है कितना 1000 RPM बोल रहे हैं, D1 और D2 भी हम निकाल लें, D1 कितना है 0.25 और D2 हमारा कितना है 0.5, ठीक है, n तो वही रहेगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आती है हमारी व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट में। वन और टू निकाल रहे हैं 0.25 इंटू 1000 बाई 60, तो
ये आएगी हमारी 13.08 मीटर्स पर सेकेंड इनलेट की, और डायमीटर चेंज करते हैं हम 0.5, तो आउटलेट कितनी आएगी 26.17 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी इनलेट और आउटलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमें देखना है सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है। सबसे फर्स्ट चीज बोला है वेन एंगल निकालो, इनलेट में बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। वी एफ वन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, वी एफ वन के बराबर होता है, और ये क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन ही है ऑलरेडी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली टेन से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसका, वी एफ वन, और बेस में क्या है, यू वन। तो थीटा हम निकाल लेते, टेन इनवर्स ब्रैकेट में वी एफ वन कितना दिया हुआ है हमें 2.5, और यू वन हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 13.08। देखते हैं थीटा कितना आता है हमारा सॉल्व करके, 2.5 डिवाइड बाय 13.08, 10.82 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया 10.82 डिग्रीज, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। अब देखते हैं सेकंड हमें क्या निकालने बोला है, सेकंड चीज देखते हैं हमें सेकंड क्या निकालना है, वर्क डन बाय इंपेलर ऑन वाटर। फॉर्मूला देख सकते हैं हम, वर्क डन बाय इंपेलर ऑन वाटर पर सेकंड, ये पर यूनिट वेट नहीं है इसलिए डब्ल्यू है ऊपर में, तो ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए सेकंड चीज कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें कुछ कुछ वैल्यू लगेगी। तो वर्क डन पर सेकेंड एक्चुअली होता क्या है, वेट डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू डॉट भी होता है ये, डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। W को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली mg बोलते हैं। ठीक है, m डॉट रहता है यहां पे, W डॉट भी होगा, mg रहता है, mg हमारा क्या होता है, रो q, रो और q m होता है, तो रो q g हो जाएगा, और ऊपर वाला g और नीचे वाला g क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन, रो q W2 U2, ये निकालना है हमें वर्क डन पर सेकंड के लिए, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं U2 तो हमें पता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें Q पता नहीं है, और डिस्चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले से पाई डी टू बी टू बी एफ टू, किसी से भी निकाल सकते हैं, मगर विड्थ हमें क्या, विड्थ की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, और विड्थ हमें सिर्फ आउटलेट की दी होगी, विड्थ हमें दी कि हाँ विड्थ हमें आउटलेट की गिवन है, इनलेट का भी लगा सकते थे मगर इनलेट की विड्थ नहीं है हमारे पास, तो हम सारी वैल्यू रखेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें डिस्चार्ज, क्या क्या वैल्यू है, पाई डी टू हमारा कितना है 0.5, विड्थ है हमारी 0.05, और वी एफ टू 2.5 है क्या, बिल्कुल 2.5 मीटर पर सेकंड है। देखते हैं क्यू हमारा डिस्चार्ज कितना आएगा, पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे वीडब्ल्यू टू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0.1963 ऐसे ही आता है डिस्चार्ज, 0.1963 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा डिस्चार्ज निकल गया। तो हमें इस फॉर्मूले का डिस्चार्ज तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, VW2 निकालना है। VW2 के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। फ्लो वेलोसिटी है हमारे पास, U2 भी है, कुछ और डाटा दिया है क्या क्वेश्चन में, फाई अपने को पता है कि बिल्कुल फाई भी दिया हुआ है, आराम से आउटलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल से निकल जाएगा VW2। तो चलिए VW2 को यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम किससे निकालेंगे उसको, टेन फाई से, तो टेन फाई कितना होगा, ऊपर ट्रायंगल में लगाएंगे, परपेंडिकुलर क्या है VF2, और बेस क्या होगा U2 माइनस VW2, तो VF2 डिवाइड बाई U2 माइनस VW2। VW2 चाहिए हमें, ऊपर ले लेते हैं इन सब, देखिए इसको क्या करते हैं, पहले हम ऊपर ले लेंगे, टेन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वी एफ टू बाई टेन फाइव हो जाएगा, और यहां पे ये रहेगा। अब क्या करेंगे, वी डब्ल्यू टू को इधर ले लेते हैं और ये पूरी टर्म को इधर ले लेंगे, ताकि क्या है वी डब्ल्यू टू हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
यू टू माइनस वी एफ टू बाई टेन फाई इक्वल टू वी डब्ल्यू टू, यही एक्सप्रेशन बनेगा हमारा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज देख लेते हैं। वी एफ टू की वैल्यू पता है हमें कितनी, 2.5 है। यू टू भी हमने कैलकुलेट किया है कितना, 26.17। और फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, बोला है ना सेट बैक करके 40 डिग्री। फाई की भी वैल्यू डाल देंगे हम कितनी, 40 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा, वी डब्ल्यू टू निकल जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके, 26.17 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 10, 40 डिग्री। देखते हैं कितना आएगा, 23.19 वी डब्ल्यू टू की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 23.19 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एक हमें चीज निकालनी थी और ये भी निकल गई। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारा वर्क डन पर सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। रो की वैल्यू 1000, क्यू हमारा आया है 0.1963 इंटू बी डब्ल्यू टू हमने निकाला 23.19 इंटू यू टू 26.17। देखते हैं कितना आता है, 1000 0.1963 इंटू 23.19 इंटू 26.17। तो वर्क डन पर सेकेंड हमारा कितना आएगा, 1191309.95 न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड है, न्यूटन मीटर। यदि हम चाहें तो इसको किलो में भी लिख सकते हैं, तीन के बाद पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 1191 बिल्कुल सही, 309.95 न्यूटन मीटर। आप चाहें तो इसको तीन के आगे पॉइंट ले लें, किलो न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, सेकेंड वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमें थर्ड चीज क्या निकालने बोला है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, इसमें क्या हो गया है, एक पॉइंट हमने ज्यादा आगे ले लिया, मतलब पॉइंट कहां होगा, यहां पे 1191309.99। ठीक है, ये रहेगा आंसर, बाकी ऊपर की पूरी वैल्यू सही है, आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, मैंने एक पॉइंट आगे लिख दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे सेकंड वाले का आंसर। अब हमें थर्ड चीज क्या निकालनी है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी हम चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज तो है ही अपने पास, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, मैनो HM मतलब मैनोमेट्रिक है, G बाई वी डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है, सबकी वैल्यू पता है, देख सकते हैं ये क्या है हमारी, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू, यू टू की वैल्यू, यही दोनों वैल्यूज यहां पे आएंगी। ठीक है, G पता ही है और HM हमें दिया होगा क्वेश्चन, मैनोमेट्रिक हेड दिया है कितना, 40 मीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 40। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा इस वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाएगी, 40 इंटू 9.81 डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी है, 23.19, यू टू 26.17 इंटू 26.17। ठीक है, देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आती है, 0.64, मतलब कितनी आ रही है हमारी, 64%। ठीक है, 0.64 मतलब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 64%। यही तीन चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी और ये वाला यहीं से होता है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं हम आगे और की पॉइंट्स देखते हैं, जिन की पॉइंट्स की मदद से क्या होगा, हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में जो तीन क्वेश्चन किए उसी में मैं चीज पूछती है, आगे देखेंगे हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्या क्या चीज वो और पूछता है, फिर हम बीच में कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें और क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है आपको ना, जिस क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा या आप कैलकुलेट कर लेंगे कैसे भी, एरिया ऑफ फ्लो भी आपको गिवन रहेगा। एरिया ऑफ फ्लो आप जानते हैं क्या होता है, पाई डी बी। ठीक है, और उसमें बी एफ वन हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्चार्ज निकलता है।
एरिया ऑफ फ्लो भी आपको गिवन रहेगा, डिस्चार्ज भी गिवन रहेगा, और ऐसा लिखा भी रहेगा कि जो एरिया ऑफ फ्लो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। एरिया ऑफ फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनलेट और आउटलेट में रिमेन सेम रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछेगा द लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट टू द इंपेलर व्हेन द डिस्चार्ज इज रिड्यूस्ड बाय 40% विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ठीक है, मतलब आपको पूछेगा कि इनलेट में जो टर्बाइन मतलब व्हील सेंट्रिफ्यूगल पंप के जो ब्लेड का जो इनलेट रहेगा वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ हेड बताओ जब डिस्चार्ज क्या है 40% कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम 40% डिस्चार्ज को कम कर देंगे तो जो इनलेट में लॉस ऑफ हेड होगा जिसमें हम स्पीड चेंज नहीं करेंगे वो क्या होगा, ये चीज आपको निकालने बोलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसी चीजों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन का, नॉर्मल हमारा डिस्चार्ज रहेगा Q, और एक नॉर्मल हमारी वेलोसिटी रहेगी क्या Vf1। ये क्या रहेगी, पहले की ऑब्वियसली बात है जो पहले की वेलोसिटी रहेगी, ये कंडीशन जब नहीं लगी रहेगी, मतलब जब 40% डिस्चार्ज का कम नहीं हो रहा होगा तब ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए 40% हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज कम हो गया। ठीक है, रिड्यूस कर दिए 40%, तो कितना बचेगा 60% बचेगा। तो जो नया वाला हमारा डिस्चार्ज है जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू स्टार से, वो कितना आएगा 0.6 क्यू, यही होगा। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो और इनटू क्या होती है फ्लो वेलोसिटी। तो हम इस केस में क्या होगा कि हमें एक नई फ्लो वेलोसिटी भी मिलेगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं क्यू स्टार हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, एरिया ले लेते हैं चलिए इसको और Vf1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नया वाला जो Vf1 है ये जो रहेगा ये क्या आएगा Vf1 स्टार आएगा, क्योंकि पुराने वाले डिस्चार्ज का एक Vf1 होगा और इस डिस्चार्ज से भी तो एक Vf1 आएगा। आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज और एरिया और फ्लो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको हम एरिया और फ्लो से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नया वाला हमें वो मिल जाएगा Vf1। ठीक है, कैसे, जो न्यू डिस्चार्ज आया हमारे पास एरिया और फ्लो को कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नया मिलेगा Vf1 स्टार मिलेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं 40% डिस्चार्ज कम हुआ तो हमें नया डिस्चार्ज मिलेगा कहां पे, इनलेट में। अभी तो डिस्चार्ज चेंज हो रहा है और डिस्चार्ज का फॉर्मूला ही होता है एरिया ऑफ फ्लो इनटू फ्लो वेलोसिटी, तो क्या होगा फ्लो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये क्या आएगी Vf1 स्टार क्या आएगी, नई वाली फ्लो वेलोसिटी आएगी और जो क्या होगी Vf1 से कम होगी, इसको हम देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं एक बार इसको वेलोसिटी ट्रायंगल में देखते हैं कैसा होगा वहां। अब क्या होता है, जैसे हम ये क्या होता है हमारा V1, ठीक है, जो हम व्हील से जाता है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये हमारा है V1 जो क्या होता है वेलोसिटी जाती है। उसके बाद यहां पे रहता है हमारा U2, इनलेट की बात कर रहे हैं हम, और ये क्या होता है हमारा VR1। ठीक है, देख लेते हैं, ये है हमारा U1 V1 VR1, यही रहता है हमारा इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल। यदि यहां पे मैं वेन्स एज्यूम करूं तभी फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या होता है थीटा। ठीक है, अब उसके बाद अभी क्या होगा हमारा फ्लो वेलोसिटी चेंज होगी, फ्लो वेलोसिटी चेंज होगी तो उससे क्या होगा, अब ये जो V1 है ये किसके बराबर होता है Vf1 के भी बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होगा फ्लो वेलोसिटी चेंज होगी तो जो Vf1 है और अगला जो Vf1 स्टार है, Vf1 स्टार ऑब्वियसली बात क्या होगा उससे छोटा ही होगा, मतलब Vf1 यहां तक आएगा। ठीक है, अब क्या है वो थीटा तो चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा क्या होता है हमारा ब्लेड का एंगल होता है इनलेट में, थीटा थोड़ी ना चेंज होगा, ब्लेड का जो एंगल है वो तो वैसे ही रहेगा। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनेगा पता है, देखो ऐसा बनेगा, ये वाला क्या बन जाएगा हमारा नया वाला ट्रायंगल, थीटा वही रहेगा। ठीक है, ये जो नया वाला डिस्टेंस रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नया वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा Vf1 स्टार। ठीक है, पूरा ऊपर वाला क्या है Vf1 है, ये Vf1 क्या है पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस V1 या Vf1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिड्यूस होगा। अब आप एक चीज ये भी देखिए कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है U1 उसमें भी क्या होगा फर्क होगा, पहले कितनी थी रेड वाले पोर्शन में U1 था, इतना बड़ा पूरा इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, अब क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी कम होगी। देख सकते हैं इसको भी हम निकाल सकते हैं, यदि हम टेन लगा दें, ठीक है, यदि हम टेन से मदद लें तो हमें क्या मिल जाएगा नई वाली वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या मिलेगी एक बार देखते हैं, टेन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा Vf1 स्टार ले लेते हैं, नया वाला निकालते हैं। ठीक है, और क्या होगा इस ये जो ब्लू वाला एरिया इसको हम बेस मान लेते हैं,
तो यदि हम इसका बेस देखेंगे तो क्या होगा, वी एफ वन स्टार बाई टेन थीटा, बिल्कुल। तो मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा, ये जो नया वाला डिस्टेंस है, ये हमें क्या मिलेगा, वी एफ वन स्टार बाई टेन थीटा, ठीक है। एक पहला वाला u1 और ये दूसरा वाला क्या है, जब हमारा डिस्चार्ज क्या हुआ, जब चेंज हुआ डिस्चार्ज कम हुआ। तो अब क्या होगा, देखिए आप जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इनलेट की व्हील में वो चेंज हो रही है। पहले रेड वाला पोर्शन थी, डिस्चार्ज कम हुआ तो अचानक से वो चेंज हो गई। तो यही चेंज होने के कारण क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होता है, शॉक पैदा होता है किसमें, इनलेट में, जो ब्लेड की इनलेट है उसमें शॉक लगता है, और उस शॉक के कारण क्या होता है, हेड लॉस होता है। और यही चीज वो हमें निकालने बोला है, लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इनलेट में तो शॉक पैदा होगा, और उस शॉक के कारण हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ हेड निकालेंगे। अब यदि हम चाहें कि लॉस ऑफ हेड कैसे निकलेगा, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, लॉस ऑफ हेड एट इनलेट, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका डिफरेंस, ठीक है, मतलब उसका जो वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है वो लेके। तो ये कैसे होगा, u1 पहले वेलोसिटी थी माइनस जो अब चेंज हुई है, चेंज वाली कितनी है, ये ब्लू वाली, तो उसका वैल्यू क्या है, माइनस वी एफ वन स्टार बाई टेन थीटा, ठीक है। और क्या होगा, ये वेलोसिटी हेड होगा, मतलब 2g। यहां से आप क्या कर सकते हैं, लॉस इन हेड निकाल सकते हैं सिंपली। तो आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लॉस एट दी हेड इनलेट व्हेन द डिस्चार्ज इज रिड्यूस्ड टू 40%, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉस ऑफ हेड निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे चेंज हुआ हमने देख लिया, ठीक है। तो ये एक चीज पूछता है आपको कभी कभी क्वेश्चन में, और देखते हैं ये दो पॉइंट्स और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये देखते हैं। कभी कभी पूछता है आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन निकालिए, कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वेन से लीव कर रही वो निकालिए। तो उस टाइम में हमें क्या निकालना है, वी टू निकालना है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन, तो उस टाइम में आप क्या निकालेंगे, वी टू निकालेंगे। और सिंपली आप वी टू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी आउटलेट के ट्रायंगल में लगा सकते हैं, या हमको पता है कि वी टू के ही तो दो कॉम्पोनेंट होते हैं, वी डब्ल्यू टू और वी एफ टू, दोनों को स्क्वायर ले लें अंडर रूट में ले, तो क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा। थर्ड चीज देखते हैं, हमें क्या बोलेगा, एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, मतलब बीटा अभी तक हम नहीं निकाले हैं किसी क्वेश्चन में। यदि आपको बीटा निकालने बोलता है तो आप बिल्कुल वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए, ये आउटलेट का है, यहां से आप बीटा निकाल सकते हैं टेन लगा के, परपेंडिकुलर बाय बेस वी एफ टू बाई वी डब्ल्यू टू, ठीक है। तो आपको ऐसे कभी बीटा निकालने बोला तो आप ऐसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म होता है, आगे वाले न्यूमेरिकल्स का भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।